सब्सक्राइब कीजिए केडी केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, हब्बा रूल, पाउल एक्सक्लूजन, हॉर्न्स रूल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताया था। उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम्स आती तो आप पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वांटम नंबर्स, ठीक है, जिसमें ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी आएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर, तो सीख लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट कर लेना साथ के साथ, अदरवाइज वीडियो भी पॉज कर सकते हो। क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर हकीकत में एक नॉलेज का पैकेट है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए किसी रोहित नाम के लड़के की, और मैं कह दूँ कि रोहित का एड्रेस बताओ, तो रोहित का नाम बताना पड़ेगा, रोहित के फादर का नाम, रोहित का गांव बताना पड़ेगा, उससे पहले रोहित का देश बताना पड़ेगा, और उस देश के अंदर यूँ पूछेगा फिर भाई स्टेट कौन सा है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर तहसील कौन सी है, फिर गांव कौन सा है, गांव के अंदर कौन सी गली में है, फिर उसका घर, तो एड्रेस मिल जाएगा ना। तो क्वांटम नंबर्स ने इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सेल में घूम रहा है, कितनी दूरी पर है, ठीक है स्टूडेंट्स, किस प्रकार रोटेट कर रहा है, कितनी एनर्जी के साथ रोटेट कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है, और उस एटम की कितनी साइज है। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, व्हाट डू मीन बाय क्वांटम नंबर्स, नोट कर लीजिए प्लीज। क्या इट इज द पैकेट ऑफ नॉलेज It is the packet of knowledge which describe about the information of electron in an atom. That is, it gives all information, that is, it gives all information about an electron in an atom. Yeah. एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन। जो क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। 3 क्वांटम नंबर हैं वो स्टूडेंट्स ओरिजिन हुए, जिनका यूं कह सकते हो प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोड्यूस हुए वो स्टूडेंट कहाँ से ओरिजिन हुए, उनका ओरिजिन है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। स्क्रोडिंजर ने स्टूडेंट्स क्या किया, एक वेव इक्वेशन बताई कि, और उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज ए वेव, वेव की तरह बिहेव करेंगे, और वो एक्स मीडियम में भी आ सकते हैं, वाई जो मीडियम है उसमें भी, और जेड, इस प्रकार 3 डायमेंशन बताए, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन, 3 तरह की डायमेंशन बताई, उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, व्हाट इज क्वांटम नंबर और कितने इसकी टाइप हैं, तो लिख लीजिए टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स 4 टाइप का क्वांटम नंबर होते हैं भाई। फर्स्ट जो टाइप आपकी वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, लिखिए, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सेल, ये एटम के अंदर सेल की संख्या बताता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ सेल, क्लियर, दैट इज हाउ मैनी
सेल आर प्रेजेंट इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर कितनी सेल प्रेजेंट है, वो किसी का भी स्पेसिफिक एटम होगा तब की बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए लिथियम का है, बेरिलियम का है, मान लीजिए बोरोन का एटम है, तो उसमें कितनी सेल होंगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में सेल की संख्या अगर बता देगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और तो यू कह सकते हो कि हम उसके साइज भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी बताएगा, रेडियस का डबल कर देंगे डायमीटर, तो साइज ऑफ एटम भी बताता है, दैट इज ऑल्सो टेल्स अबाउट साइज ऑफ एटम, एटम की साइज के बारे में भी बताता है, ठीक है। और उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है स्टूडेंट, उसकी एनर्जी भी बताता है, मतलब इट ऑल्सो टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसकी कितनी एनर्जी है, और किस प्रकार निकाला जाएगा स्टूडेंट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, देखिए ई एन इक्वल टू, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर। अब यहाँ पर आप पूछोगे सर जेड क्या है, तो जेड का मतलब एटोमिक नंबर और एन का मतलब नंबर ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में होता है, तो वे है जेड इक्वल टू एटोमिक नंबर और n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, मीन्स n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये हो सकते हैं, और n इक्वल टू अगर 1 है स्टूडेंट तो नंबर ऑफ सेल कौन सी होगी, k, ठीक है, l, m, n, इस प्रकार ये चलती रहती है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सेल है स्टूडेंट्स, और यूँ कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर का हमें पता चल जाए, फॉर एग्जांपल बात उठ जाए, यूँ कह दे कि लिथियम के एटम में सेकंड सेल में कितनी एनर्जी है, तो स्टूडेंट लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दूंगा मैं, सेकंड यहाँ सेकंड पुट कर दूंगा। मान लीजिए कह दी जाए बोरोन के सेकंड सेल में कितनी एनर्जी है, बोरोन एटम में सेकंड सेल में कितनी एनर्जी है, तो स्टूडेंट बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, ठीक है, सेकंड की बात का मतलब n इक्वल टू कितना है, 2, यहाँ पर अगर आप पुट करो स्टूडेंट तो -13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड की वैल्यू कितनी, 5, 5, 2 जा 25 डिवाइड बाई 2, 2 जा 4, इस प्रकार हम एनर्जी निकाल सकते हैं, इज दैट क्लियर। बट ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स ज़्यादा जो यूज हुआ वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यूज हुआ, कहाँ पर यूज हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम। आपको बताऊंगा ऐसा क्यों था, बोहर ने बताई थी ये बात, क्यों बताई वो आपको सब बताऊंगा बाद में। तो दिस इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, लिख लीजिए स्टूडेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नोट कर लेना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर आपका स्टार्ट हो गया एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर को स्टूडेंट स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, नोट कर लो स्मॉल एल से, और ये क्या बताता है, लिखिए इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल, यस शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल की शेप बताता है स्टूडेंट, कौन सा ऑर्बिटल किस शेप का होगा, ये कौन बताता है, एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर का एक नाम और भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, क्लियर, डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल एल से, ठीक है।
उसके बाद हर ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू अलग होती है. द वैल्यू ऑफ एल फॉर ऑर्बिटल. तो स्टूडेंट्स ये नोट करने की चीज़ है. देखिए ये आपके ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल, और ये वैल्यू ऑफ एल. एल मीन्स एजिमिथल क्वांटम नंबर. अगर स्टूडेंट्स आपका ऑर्बिटल एस है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी? जीरो. अगर आपका ऑर्बिटल स्टूडेंट पी है तो वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी स्टूडेंट? वन. अगर आपका ऑर्बिटल डी है तो वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी स्टूडेंट? टू. अगर आपका ऑर्बिटल एफ है तो वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी स्टूडेंट? थ्री. और अगर ऐसे जी है तो वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी स्टूडेंट? फोर. ये नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है. फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, क्लियर. तो ये वैल्यू ऑफ एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में एजुमिथल क्वांटम नंबर आया. सेप ऑफ द ऑर्बिटल, नेक्स्ट लिखिए सेप ऑफ द. बताता है कि जो एजुमिथल क्वांटम नंबर है वो सेप के बारे में भी बताता है. अब सेप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिखिए स्टूडेंट्स सेप ऑफ द ऑर्बिटल. सेप ऑफ ऑर्बिटल स्टूडेंट्स सभी की सेप जो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए ये आपके ऑर्बिटल हो गए, नोट कर लो बेटा ऑर्बिटल, और यहाँ पर सेप, और यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है. उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ऑर्बिटल आपका एस है. क्या है बेटा? एस. तो जो सेप है वो बनेगी स्टूडेंट्स क्या? स्पेरिकल. स्पेरिकल शेप बनेगी, ठीक है. और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा स्पेरिकल स्टूडेंट ऐसा होता है, ठीक है. और इसमें इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं स्टूडेंट्स. कई स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये ऑर्बिटल क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. तो स्टूडेंट्स देखिए ऑर्बिट की मैं बात बता चुका हूँ आपको कि द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कंटिन्यूसली इज कॉल्ड ऑर्बिट. ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और उस एनर्जी को किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है स्टूडेंट्स? लिख लीजिए एक बार, ये भी नोट कर लो. ऑर्बिटल द थ्री डायमेंशनल स्पेस और रीजन वेहर द probability of finding electron is maximum. कितनी maximum? Near about 92 to 95%. 92-95% इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जहाँ स्टूडेंट्स हो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑर्बिटल, क्लियर. और वो ऑर्बिटल दिखते कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया एस ऑर्बिटल है, उसकी स्पेरिकल शेप होती है और इस प्रकार दिखता है. इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा भर गए ना स्टूडेंट्स, उस एरिया को जब बनाया गया एस ऑर्बिटल के लिए तो स्पेरिकल बन के निकला, ठीक है. उसके बाद में आया स्टूडेंट्स पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल के शेप का नाम होता है स्टूडेंट्स डंबल, जो जिम में नहीं होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए डंबल लगाए जाते हैं ना बेटे, वो वाले डंबल. डंबल कैसे दिखाई देता है स्टूडेंट? डंबल ऐसा होता है स्टूडेंट. अब ये पी ऑर्बिटल भी थ्री टाइप के हो गए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. तो पी एक्स जो आपका होगा स्टूडेंट, तो एक्स एक्सिस हमने ये मान लिया, एक्स एक्सिस इस प्रकार ये शेप बन के आती है ऐसे, ठीक है. और ये वाला जो एरिया स्टूडेंट, ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे कम हो, जीरो के बराबर हो, उसको नोड बोलते हैं. What do you mean by node? The reason where the probability of finding electron is near about zero. Exactly zero तो नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, बट जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वहाँ पर कुछ शेप नहीं बनी ना, इसलिए यहाँ मैच कर गया. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं स्टूडेंट्स, ये वाले, इनको क्या बोलते हैं बेटे? लोब. लोब होते हैं ये, क्लियर, लोब. तो पी ऑर्बिटल में थ्री ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स. कौन कौन से?
सब सेल बोल लो पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स मैंने आपको बताया, अब पी वाई देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका मैंने क्या मान लिया वाई एक्सिस। तो इस प्रकार सेंटर में अगर आप लोगे तो ये शेप ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये आपका y एक्सिस मान लिया। कई बुक्स में z एक्सिस मान रखा है, बट जो भी मानो उसको लिख दो, लेकिन क्लियर। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, वही ये क्या है स्टूडेंट्स नोड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हैं, इस प्रकार की शेप बनी, इसका नाम पड़ गया बेटे क्या लोब, ठीक है। और फिर पी जेड, ये स्टूडेंट्स हमने मान लिया पी जेड, कई बुक्स में ये x एक्सिस मान रखा है, कोई नहीं जो भी मानो उसको लिख दो, तो ये आपका होगा z एक्सिस, ठीक है। इस प्रकार ये शेप बन जाएगी आपकी ऐसे, क्लियर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, वही ये नोड और ये क्या ऑर्बिटल लोब। तो दीज आर द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, राइट डाउन इट इन योर फेयर नोटबुक, फटाक से लिख लीजिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करने का समय आ गया, जल्दी वीडियो पॉज करो और नोट करो, ठीक है। तब तक मैं डी ऑर्बिटल के शेप बता देता हूं आपको, क्लियर। अब नंबर आएगा स्टूडेंट्स डी ऑर्बिटल का, ठीक है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स शेप जो होती है वो डबल डंबल होती है, डबल डंबल। और डी ऑर्बिटल में फाइव सब सेल होती है स्टूडेंट, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्टूडेंट डी एक्स वाई की शेप। डी एक्स वाई में स्टूडेंट डबल डंबल बनाना है, तो देखिए ये हमने एक्स एक्सिस मान ली, अब की बार चलो ये हमने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में स्टूडेंट जो भी मानो आप लिख दो, लेकिन वहाँ ये देखिए ये एक्स एक्सिस की शेप मैंने बना दी, ठीक है, और ये मैंने आपकी क्या बना दी बेटे y एक्सिस की शेप, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, क्लियर बेटा, और डबल डंबल हो गए ना, एक डंबल ये एक डंबल ये। अब इसमें हम नीचे लिख देंगे बेटा डी एक्स y, ठीक है। अब दूसरा ऑर्बिटल स्टूडेंट्स d में कौन सा है, डी वाई जेड, डी वाई जेड। बेटा देखिए y तो हमने बताया था आपको ये होता है, चल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, ये स्टूडेंट क्या हो गया y, ठीक है। और अब की बार ये वाला ऑर्बिटल मैंने क्या मान लिया जेड, डी वाई जेड। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार तो आपका जेड ऑर्बिटल आ जाएगा ऊपर से, ठीक है, और ये आपका आ गया स्टूडेंट्स वाई ऑर्बिटल, क्लियर। कुछ सिमिलर से शेप होती स्टूडेंट, इस जैसी शेप है, ठीक है। ये फिर से अब की बार फोर लोब है स्टूडेंट्स में, कितने लोब हैं, फोर लोब, ये वाले लोब होते हैं ये सब, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलते हैं उसको लोब बोलते हैं। और ये स्टूडेंट्स क्या है नोड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे कम हो उसको क्या बोलते हैं बेटा नोड, ठीक है। तो डी एक्स वाई हो गया और डी वाई जेड, इसका नाम बेटा डी वाई जेड। अब हम बताएंगे आपको डी जेड एक्स के लिए, नोट कर लीजिए डी जेड एक्स। तो स्टूडेंट डी जेड एक्स कैसे दिखाया जाएगा, देखिए ये वाला z हो गया और ये क्या हो गया आपका x हो गया। तो पहले x पर शेप बना लो, डंबल हो गई, और ये आपकी z शेप हो गई, ठीक है, इस प्रकार। और ये आपके लोब बन गए, सिमिलर शेप होती है स्टूडेंट्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कितने लोब हैं, फोर लोब, और ये आपका क्या हो गया नोड हो गया, ठीक है। डी जेड एक्स के बाद में स्टूडेंट आता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसका फिफ्थ ऑर्बिटल, डी में जो पांचवी सबसेल है ऑर्बिटल बोल दो, कोई जरूरत गलत नहीं हो माना जाएगा आपका। तो पांच ऑर्बिटल क्या स्टूडेंट डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसमें बड़ा इजी स्टूडेंट, ऐसे एक्स एक्सिस बनाओ वाई एक्सिस बनाओ और इसके ऑर्बिटल की जो शेप है स्टूडेंट बीच में देनी है इस प्रकार। सर ये आपको पता कैसे चला ऐसे शेप आई, भाई देखिए स्टूडेंट ये एक्सरे मेथड से देखा गया था, साइंटिस्ट ने ऐसे देखी, बट आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार ये लोब बन जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर शेप। आपको ये हमेशा के लिए शेप स्टूडेंट्स याद रखनी पड़ेंगी, ये नहीं है कि आप और आगे वाली क्लास में जाओ जब शेप बदल जाएगी, शेप हमेशा फिक्स रहेंगी, इसलिए एक बार याद कर लो, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स।
लास्ट, क्योंकि मैंने डी में पांच सब सेल बताई थी स्टूडेंट, कौन कौन सी फिर से बताता हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स अभी हमारे से बची हुई है डी जेड स्क्वेयर की लास्ट से, तो वो और देख लीजिए एक बार, ठीक है। डी जेड स्क्वेयर की शेप कैसे बनेगी भाई, डी जेड स्क्वेयर शेप ऐसे बनेगी स्टूडेंट्स, जेड बना लिया आपने या वाई बना लिया कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जेड लिख दो यहाँ पर, जो भी मानो उसको नोट कर दो बस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। और इस प्रकार ये शेप आपकी मानी जाएगी, एक ही डंबल होगा इसमें, दूसरा डंबल स्टूडेंट इसमें सर्कल की तरह रोटेट हो जाता है, ये एक छल्ला सा बनेगा इसके साइड में। तो इस शेप को स्टूडेंट्स ध्यान से बनाना, सबसे अलग शेप है ये, ठीक है, ये लो, दिस इज कॉल्ड नोड। और सबसे जो अलग शेप स्टूडेंट्स डी ऑर्बिटल में, वो किसकी है, डी जेड स्क्वेयर की शेप हो गया। तो ये स्टूडेंट्स शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है। अब हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, लिख लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है एम से या फिर स्मॉल एम एल से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम और स्मॉल एम एल, ठीक है। होता क्या है ये देखिए, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट ये क्या बताता है, ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है। अब हमें पता चल गया ऑर्बिट भी होता है एक ऑर्बिटल भी होता है, ऑर्बिट तो क्या था सर्कुलर पाथ, फिर बताया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जहां ज्यादा थी ना उसका नाम क्या पड़ गया ऑर्बिटल। अब वो ऑर्बिटल कहाँ है, उसकी ओरिएंटेशन मीन्स एक्स एक्सिस डायमेंशन में है या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में कहाँ है वो लोकेशन कौन बताएगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे बताएगा वो सुन लीजिए, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू कहां डिपेंड करेगी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर, ठीक है, क्वांटम नंबर कौन से पर डिपेंड करेगी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर, ठीक है, ओके सर। उसके बाद में कैसे करेगी डिपेंड, देख लिए मैथमेटिकली स्टूडेंट्स के फॉर्मूले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैथमेटिकली एम इज इक्वल टू एम मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या एम एल, वैसे यहां से पता चल रहा है स्टूडेंट्स एम एल बोला मैंने, एम एल, एम मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एल मीन्स एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका आएगा, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस एल टू प्लस एल, मीन्स एल की वैल्यू जितनी भी होगी वो माइनस से लेके प्लस तक जाएगी, वही एम की वैल्यू है। एक और भी तरीके से निकालते हैं एम इज इक्वल टू 2L+1, ठीक है स्टूडेंट्स 2L+1। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा फिर पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि भाई 4F ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यू बताओ, क्लियर, 4F ऑर्बिटल के लिए किसकी वैल्यू बताओ बेटा, M की वैल्यू। तो कैसे पता चलेगी, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें L की वैल्यू, अब मैंने नोट करवाया था पीछे वाले इसमें, इससे पहले जो आप वीडियो प्रीवियस करके देखो थोड़ा सा बैक करके, उसमें क्या लिख रखा है कि F के लिए L की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 3, तो L इज इक्वल टू कितनी है 3, तो M इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, बिकॉज मैंने लिखा M इज इक्वल टू -L2 + L, और L की वैल्यू हमने आपको पहले बताई थी, तो इस प्रकार ये M की वैल्यू आ गई। अब ये कितनी वैल्यू स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू हैं, और आप यहाँ पर अगर L की वैल्यू पुट करके देखते हो 3, तो 3 2 6 1 7, ठीक है। तो ये फॉर्मूला टोटल
वैल्यू बताएगा, ये कौन कौन से वैल्यू है इस प्रकार बता देगा। दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ स्टूडेंट्स, और आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए आपकी बार कह दिया जाए कि 3D ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें L की वैल्यू देखनी होगी, जो कि मैंने पहले वाले बैक करके देखो वीडियो उसमें लिख रखी है। क्या D के लिए L की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? 2। तो M की वैल्यू आएगी स्टूडेंट -2, -1, 0, +1 एंड +2। इज दैट क्लियर? समझ में नहीं आया बेटे? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो ना, ताकि मुझे पता चले कि किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया और मैं वीडियो दोबारा बनाने के लिए मजबूर हो जाऊं। बट आप लोग पूछते ही नहीं हो, तो मुझे पता कैसे चलेगा बेटे? ठीक है, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? तुम जैसे होते हैं कि जो बार बार उस वीडियो को पॉज करके देखते हैं, नोट करते हैं और अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने देते। तो स्टूडेंट्स, इसी बात पर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये लो स्टूडेंट्स, देखिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर निकले थे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कहाँ से निकले डजेंट मैटर यार, हमें क्या करना कहाँ से निकले, क्या होते हैं ये बताना है। ये वाला स्पिन क्वांटम नंबर करने के बाद मैं फिर से रिपीट कराऊंगा कि क्या क्या चीज ये होती है। ओके, तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स, स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने स्पिन क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी। होता क्या, लिखिए, इट टेल्स अबाउट स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिनिंग मोशन, वो क्या चीज़ होती है सर? बेटे इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से घूमता है। देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे चारों तरफ घूमेगा, मान लीजिए जी, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार घूम के आया, यूँ घूम के आया, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑर्बिटल मोशन। लेकिन अगर ये यूँ घूमता हुआ, खुद भी घूमता हुआ स्टूडेंट ऐसे, और फिर ये घूमे, समझ रहे हो नहीं, ये फिर घूमे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं इस मोशन को स्पिनिंग मोशन, और दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। तो ये स्पिनिंग मोशन के बारे में बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन या तो यूं घूमेगा स्टूडेंट, या फिर यूं घूमेगा, या तो यूं या यूं, दो तरह के मोशन हो गए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बताता है अबाउट द स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो यहां पर लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स आइदर रोटेट्स ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर, और रोटेट ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज +1/2, और दिस हाफ एरो, और दिस, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई -1/2 और ठीक है स्टूडेंट्स, दिस टाइप एरो और दिस टाइप, +1/2, -1/2, दिस इज +1/2 एंड -1/2। तो स्टूडेंट्स लेक्चर हो जाएगा बहुत बड़ा, इसलिए अभी हम इसको
रोक देते हैं वीडियो को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनकी न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, जो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं जिसमें क्वांटम नंबर्स की न्यूमेरिकल न पूछे जाएँ, प्रॉब्लम न आए। और अगर मुझे मेरा यकीन नहीं है आपको स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का IIT मेंस का या एडवांस का या फिर PMT का एग्ज़ाम उठा के देख लो। मैं बात CBSE की नहीं कर रहा, CBSE में क्या यार, IIT PMT एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ कि क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस आते हैं। और ये चैलेंज है स्टूडेंट, जिसने मेरा वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख लिया तो वो यूँ कर देगा सोल्व IIT न्यूमेरिकल्स को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।